हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान और प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बीज़ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं खेल रहा हूं नाइट स्टेज का सेकंड लेवल। जो ये मशरूम है सन वाला, ये बिल्कुल फालतू है, तो मैं आप सबको कहूंगा कि इसको मत लेना, इसकी बजाय आप हमारा 50 वाला सनफ्लावर ही लेना। ये 50 वाला ज़्यादा किफ़ायती है और ज़्यादा बढ़िया है। ये 25 वाला ज़्यादा स्लो है, स्टार्टिंग में आपको 15 सन्स देगा और बड़ा होने के बाद 25 देगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही सनफ्लावर लगाओ तो आपके पास ज़्यादा सन्स रहेंगे उस सन वाले मशरूम की बजाय, तो इसलिए मैं आप सबको सनफ्लावर रिकमेंड करूँगा कि आपको यही लगाना चाहिए। तो अब बस ज़ॉम्बीज़ के आने का इंतजार करना है और अब सनफ्लावर और मशरूम्स लगाने हैं। और आ गया हमारा पहला ज़ॉम्बी, जल्दी आ गया। मैं चाहता था ये थोड़ा लेट आए और मैंने यहाँ दूसरा सनफ्लावर भी लगा लिया है, और पर एक ज़ॉम्बी के लिए एक मशरूम भी बहुत है, पर मैं डबल लगाता हूँ ताकि कोई भी वो ना हो, कोई खतरा ही ना हो। अब तक मैंने दो सनफ्लावर लगा लिए हैं और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इन रात वाले गेम्स में। और हमारा चौथा सनफ्लावर लगने वाला है और अब मैं लगाऊंगा अपना चौथा सनफ्लावर, और मैंने लगा लिया। तो यहाँ नीचे एक ज़ॉम्बी आ रहा है, मुझे डबल सेफ्टी लगानी पड़ेगी, दो दो मशरूम अब ठीक है। और ज़ॉम्बी के मरने के बाद मुझे मिला है, क्या मिला है? मोर वेज टू प्ले। अच्छा, तो एक दो पजल खुल गई होगी और एक दो छोटे मोटे अलग से गेम खेलने के तरीके। दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि मेरे पास थोड़ी देर पहले सिर्फ दो ही सनफ्लावर थे, पर अब मेरे पास 5 सनफ्लावर लग गए हैं। इसलिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से सनफ्लावर ही लगाना है, काफ़ी ओपी प्लांट है। वो फालतू का मशरूम मत लगाना, देखने में बढ़िया लगता है वो कि बहुत ज़बरदस्त होगा पर अंदर से खोखला है। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक दो कबर आगे पीछे हो गई है, और वो इसलिए हुई है कि यार मैं सेकेंड लेवल खेल रहा था और मैंने वो कम्प्लीट कर लिया था, पर मुझे पता नहीं चला कि बीच में रिकॉर्डिंग कब रुक गई, तो मैं फिर से सेकेंड लेवल खेल रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। मैंने थर्ड भी खेल लिया था पर रिकॉर्डिंग रुक गई, तो अब रिकॉर्डिंग के लिए मैं फिर से थर्ड भी खेलूँगा। हाँ, एक और बात, अगर आपको चिड़िया या किसी भी पक्षी की आवाज़ सुनाई दे तो बिल्कुल असली आवाज़ है, क्योंकि मैं ऐसे ही वातावरण में वॉइस ओवर करता हूँ। और ये आ गया हमारा टोपी वाला। वैसे तीनों मशरूम इसके लिए बहुत होते हो, ये इसको आराम से पेल देते, पर मैंने फिर भी अपना बर्फीला लगा दिया है, और इसलिए मैंने लगाया है ताकि हमारा डिफेंस तगड़ा हो जाए, क्योंकि मैं फ्यूचर के ज़ॉम्बीज़ के लिए भी तगड़ा करना चाहता हूँ जो स्टोपी वाले के बाद आएंगे। वरना अगर आपके 3 मशरूम लगे पड़े हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 3 मशरूम टोपी वाले के लिए बहुत है, वो एक ही को खा पाएगा और तीनों मशरूम उसमें भूस भर देंगे। तो ये बाल्टी वाला आ गया, इसका देखते हैं क्या हाल होगा। 3 मशरूम है जो टोपी वाले के लिए बहुत है, और पीछे एक हमारा बर्फीला है जो इसको स्लो भी कर देगा। मुझे लग रहा है बाल्टी वाला एक ही मशरूम को खा पाएगा, देखते हैं क्या होगा, या ऐसा भी हो सकता है एक को भी ना खा पाए, उससे पहले ही दफन हो जाए, क्योंकि बर्फीला बहुत ही ओपी प्लांट है, इसको पूरा स्लो कर रखा है, और आगे जो 2-3 दिन छोटे मशरूम है उस पर पूरी तरह हमला कर रखा है। हाँ, तो एक भी मशरूम को नहीं खा पाया, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप एक बर्फीला लगा दो 3 मशरूम के पीछे तो ये कितना ओपी हो जाएगा। और ऊपर अखबार वाला जच्चा आ गया, देखते हैं इसका क्या हाल होगा। इनका अखबार भी फट चुका है, ये स्लो भी हो चुके हैं, और ये दफन, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। इससे आपको मेरे सॉलिड डिफेंस की असली पावर पता चलेगी। और उतर गई इसकी भी बाल्टी, पर इसकी मदद करने के लिए एक और साथी आ गया और ये भी पेला जाएगा। दोनों टैग टीम बनाकर मिलकर एक ही मशरूम को खा पाए, तो इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या हुआ। ये अखबार वाला चच्चा फिर से आ गया और ये फिर से दफन होगा। ये नहीं लगता एक मशरूम खा जाएगा, ये क्या एक को खाएगा या नहीं, ये एक भी खा नहीं पाया। वाह यार, बहुत तगड़ा डिफेंस था, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे।
कि कोई भी जोम्बी मेरे एक भी प्लांट को अब तक नहीं खा पाया, मतलब बाल्टी वाले तो खा जाएगा पर मतलब कि वैसे प्लांट नहीं खा पा रही कि अंदर घुस रही है खा कर, वैसा नहीं हो पा रहा। और अब आएगी फाइनल वेव। मैंने कवर के आगे एक वो लगा दिया है हमारा आलू, जिसको मैं आलू बोलता हूँ वैसे इसका नाम वॉलनट है, ये लगा दिया है मैंने ताकि कवर में से जोम्बी निकलते हैं तो मुझे कोई भी खतरा ना हो। वो इस वॉलनट को खाते खाते बुड्ढे हो जाए और कुछ कर ही ना पाए क्योंकि पिछले मेरा स्लो मोशन लगा पड़ा है बर्फीला और वो किसी को भी कुछ खाने नहीं देगा। टोपी वाला इसलिए खा गया क्योंकि टोपी वाले पे उसका असर नहीं था, वो आड़ में छिप रहा था तो इसलिए फ़ायदा उठाकर उसने खा लिया, वरना अगर डायरेक्ट बर्फीले के कॉन्टैक्ट में होता तो कुछ भी खा नहीं पाता। अब देखो बाल्टी वाले का मैं क्या इलाज बांधता हूँ, मैंने पीछे एक बर्फीला और लगा दिया और एक पी शूटर और लगा दिया तो टोटल बाल्टी वाले के ऊपर 4 मटर के दाने फेंके जा रहे हैं जिसमें से 2 स्लो के हैं और आगे एक मशरूम भी है वो भी हमला करेगा और उसके आगे एक वॉलनट है तो इस पर बहुत बुरा हाल हुआ बेचारे का। यही होता है जो सबसे आखिरी जोम्बी बच जाता है उसके साथ। मैंने लेवल कंप्लीट कर लिया है सेकंड लेवल और मुझे इसके लिए मिला है मोटा मशरूम। ठीक है तो यार 75 संस्कार है मोटा मशरूम और बढ़िया है, मैं इस लेवल में आपको यूज भी करके दिखा दूंगा कि ये क्या चीज़ है मोटा मशरूम जो मुझे मिला है। तो टीम बनाती है, बताओ मैं कौन कौन से लूँगा, देखते हैं आप और हमारी सोच कितनी मिलती है। तो मुझे मोटा मशरूम भी लेना है और अब क्या लूँ। हाँ तो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो इससे पहले आप लोग बोलो कि मैंने उस कबरे को क्यों नहीं लिया, वो कबर खा जाता है। तो यार बात यह है कि अब तक मेरा वो अनलॉक नहीं हुआ है, मतलब कि मैंने वो ये लेवल खेला था और उसके बाद मुझे वो कबरा मिला है पर ये लेवल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो मैं फिर से खेल रहा हूँ इसको और इसलिए मैं कबरा नहीं ले सकता वरना चीटिंग होगी इस लेवल के जोम्बीज के साथ, विश्वासघात टाइप। और मैं किन जोम्बीज के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता, मैं इनको अपनी पावर पर हराना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इनको हरा सकता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ा और ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, सोचा भी नहीं। तो हमारा पहला जोम्बी जो हमारा शिकार करने आया था वो टपक गया है और अब उसका साथी आ रहा है। और ये भी टपक लिया, रिफ 4 जोम्बी। क्या ये वाला जोम्बी हमारा एक मशरूम, अच्छा तो पहले टपक लिया। तो चौथे जोम्बी का इंतजार करते हैं, ये बाल्टी वाला, ये खतरनाक जोम्बी आया है और ये मेरे दोनों मशरूम खा सकता है अगर मैं तीसरा ना लगाऊं, पर तीसरे लगाने के बाद ये सिर्फ एक खा पाएगा सबसे आगे वाला। अब देखो ये 3 मशरूम इस बाल्टी वाले का क्या हाल करते हैं, सॉरी मैं बोल रहा था टोपी वाला, मैंने गलती से बाल्टी वाला बोल दिया है, ये एक को भी नहीं खा पाया। अरे टोपी वाले की इतनी ज़्यादा बेइज्जती मैंने कभी देखी नहीं, मैं सोच रहा था एक को खा जाता है, वैसे एक को खा जाता है कई बार जैसे ऊपर वाला खा जाएगा, पर अच्छा अगर इनको टाइम ना मिले अपनी हिफाजत करने के लिए जब खा पाता है एक को, वरना अगर मैं दूर रखूँगा इनको टाइम मिल जाए तो एक को भी नहीं खा पाएगा, ये मुझे खुद आज पता चला। और ये सील वाला जोम्बी आ चुका है, कैप्टन अमेरिका का रिश्तेदार है, देखते हैं अब इसका क्या हाल होगा। तो इसके लिए मैंने ये लगा दिया है पर इसके लिए ज़्यादा फ़ायदा वो करता है मोटा मशरूम 75 सन का। तो अगर आप ये सील्ड वाला जोम्बी देख लो कैप्टन अमेरिका का फ़ैन, तो मोटा 75 सन वाला जोम्बी ही 75 सन वाला मशरूम ही आपको लगाना है जैसे मैंने अब लगा दिया। बेचारा पी शूटर बोल रहा होगा मैं मटर के दाने फेंक रहा था शांति से, मुझे पहले लगाया गया और फिर मुझे हटाया गया। पर पी शूटर के लिए मैं रिस्पेक्ट करना चाहूँगा, जो भी उसने किया अपनी अच्छे से किया। और अब हम इन मोटे बड़े बड़े मशरूम्स की बारिश कर देंगे इन जोम्बीज पर, देखो क्या हाल होता है इन जोम्बीज का। 3 मशरूम लग गए हैं, 4 लग गए हैं, ये 4 मोटे अब इनका बुरा हाल कर देंगे।
जल्दी से पांचों मशरूम खुल जाए, फिर हम पूरा सेट बना देंगे पांच मोटे मोटे मशरूम्स का। और ये पांचवा मोटा मशरूम खुल चुका है और अब बनने वाला है पूरा सेट। अब कितना बढ़िया लग रहा है, पांच मोटे मोटे मशरूम का पूरा सेट। पर फाइनल वेव आ चुकी है, मुझे अंदाज नहीं था इतनी जल्दी आ जाएंगी। लेवल थोड़ा छोटा था, पिछले वाला लेवल थोड़ा बड़ा था, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, या ये मुझे ही लग रहा है। वैसे ये रात का तीसरा लेवल खेल रहा हूँ मैं, तीसरा, और मुझे लग रहा है कि दूसरा काफ़ी बड़ा था इससे। तो गिनती के साथ 8 ज़ॉम्बी बचे हैं, देखते हैं क्या उखाड़ पाते हैं हमारा। मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं है इनसे। अभी गिनती के 4 ज़ॉम्बी बचे हैं। कैप्टन अमेरिका का ज़ॉम्बी शहीद हो गया। अब वीएलसी की टोपी वाला ज़ॉम्बी बचा है, जिसकी टोपी गिर चुकी है, हाथ भी गिर चुका है पर अभी भी खा रहा है, और ये भी शहीद। तो हमारा नाइट का तीसरा लेवल कंप्लीट हो चुका है और मुझे मिल चुका है हमारा कब्र खाने वाला कब्रा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नाइट का चौथा लेवल, और ये है हमारा नाइट का चौथा लेवल। और इस बार हम लेंगे टीम में हमारे कब्रे को, क्योंकि इस बार ये फाइनली इज्जत से ऑफिशियली लॉक हो अनलॉक हो चुका है, इसको नीचे लेंगे। अब ठीक है, अब दो को क्या, कौन कौन से लूँ मैं, मुझे कौन कौन से लेने चाहिए, देखते हैं क्या लूँ, क्या लूँ इन सेब को लूँ, मतलब कि चेरी को लूँ या ना लूँ। वॉलनट और सेब सही रहेंगे, वॉलनट और सेब और ज़्यादा महंगे सेब है, 150 के सेब पर लेने पड़ेंगे। और सार्क ले लूँ, नहीं सेब सही है, वैसे मैं बदल भी नहीं सकता क्योंकि लेवल स्टार्ट हो चुका है। देखते आज हमारी इन सारी कब्रों को हटाना हमारा टारगेट है, देखते हैं कितनी कब्र है, 3, 3, 6, 7, अच्छा 7 कब्र हैं यहाँ, और इन 7 कब्रों को हटाना, मैं हटा दूंगा इन सबको। आ चुका है हमारा पहला ज़ॉम्बी दफन होने के लिए, और अब ये दफन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कब्र वाली लाइन में ही आया है ताकि कब्र के साथ ही दफन हो जाए। और दूसरा ज़ॉम्बी भी पहला गया, बारी तीसरे ज़ॉम्बी की, और ये आया 3-3 कब्र वाली लाइन में, ये भी दफन हो जाएगा। पर मुझे एक और मशरूम चाहिए इसकी हिफाजत के लिए, वैसे एक बहुत है इसके लिए, पर फिर भी डबल सेफ्टी करनी चाहिए। और ये भी गया, अब कौन सा आना चाहिए, टोपी वाला आ गया, टोपी वाला आया, चलो टोपी निकालो। अभी मुझे एक और लगाना होगा वरना टोपी वाला तबाही मचा देगा लाइन में। बस एक मशरूम और आ जाए और टोपी वाला गया, अब बस एक को ही खा पाएगा ये, और दो पीछे वाले बच जाएंगे। सबसे आगे वाला मशरूम जो हमारा ख़त्म हो गया, उसके लिए रिस्पेक्ट, तूने टोपी वाले के सामने झुककर पूरी लाइन कटने से बचा ली, वरना टोपी वाला पूरी लाइन में घुसकर तबाही मचा देता, हमारे सनफ्लावर्स भी खतरे में आ जाते। और अब तक मैंने 11 सनफ्लावर्स लगा लिए, अब बस एक और सनफ्लावर लगाना है, और हमारे सनफ्लावर्स की दो लाइनें बिल्कुल कंप्लीट, और हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अब क्या लगाऊं मैं, अब इन मोटे मशरूम्स को लगाने की बारी है, और अब ठीक रहेगा, अब हमारा डिफेंस काफ़ी सॉलिड हो चुका है। एक मोटा मशरूम हमारा बोर हो रहा था, बिल्कुल अकेला था, तो मैंने उसकी मदद के लिए उसका एक और साथ ही लगा दिया है, पर बेचारे बात नहीं कर पाएंगे, बीच में खाई है। और हमारा कब्रा भी चालू हो चुका है कब्र खाने वाले काम पे। वैसे जो हमारा कब्रा है, अब तक 4 कब्र खा गया, 4 को निकल गया है, नहीं 4 बची है, 3 खा गया अब तक ये, हाँ 3 अब कब्र खा गया है अब तक ये। अब तक मैंने 3 मोटे वाले मशरूम लगा दिए हैं, और अब बारी है चौथे मोटे वाले मशरूम की, अब बस एक मोटे वाला मशरूम बच चुका है लगाने के लिए, बच चुका है, और फिर हमारा बनेगा तगड़ा डिफेंस, 5-5 मोटे वाले मशरूम का डिफेंस, और बन चुका है। और ज़ॉम्बीज़ की पहली लहर आ रही है,
एक भागने वाला जुम्बी आ गया, ये बहुत दिनों बाद देखा मैंने। चलो भाई खा जाओ इसको, इससे पहले मशरूम खाए खा जाओ इसको। और एक मशरूम ये खुद खा गया। तो एक कब्र रह गई थी और बुरी लग रही थी, बेचारी अकेली थी, तो मैं उसको भी निपटवा दिया अपने कब्रे से। तो कब्रे ने पूरा इनका वो कर दिया, सूपड़ा साफ, एक भी कब्र नहीं है अब यहाँ पे। कब्रे ने ज़बरदस्त काम दिखाया अपना। अभी जल्दी से मोटे मशरूम लगाने पड़ेंगे, पर बाहर ये लगा दूँ वॉलेट से रहेंगे, क्योंकि यार वॉलेट बहुत लेट खुलते हैं, इसलिए मैं इनको लगाता नहीं हूँ। क्योंकि एक वॉलेट लगा दूँ मैं, फिर आदत पड़ती है, इनको लगाने का मन करता है, पर ये 5 मिनट इंतजार करना पड़ता है इनको खोलने का। मतलब 5 मिनट नहीं करना पड़ता, पर बहुत ही इंतजार करना पड़ता है ना खुलने का, तो इसलिए मुझे लगाने पसंद नहीं है, वरना मुझे काफ़ी बढ़िया लगते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया था, तो अगर कोई गलती से अब तक टिका हुआ है और इस वीडियो को देख रहा है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको लगता है आपके आस पड़ोस में दोस्तों में कोई ऐसा आदमी है जो इस वीडियो को देख पाएगा, तो उसको इस वीडियो को शेयर कर देना। तो भागने वाला इतना अंदर घुस जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी, इसने हमारी पूरी लाइन बिगाड़ दी। अब आगे लगाना पड़ेगा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वैसे अब तक सिर्फ 3 मशरूम्स की जगह खाली है, और सील वाले ने 2 और खाली कर दिए। टोटल 4 मशरूम्स की जगह अभी खाली हो चुकी है, मुझे जल्दी से इनको भरना होगा, वरना वो लगा देंगे, वरना जुम्बी वाले जुम्बी मतलब जुम्बी नहीं कब्र उगा देंगे यहाँ से। हाँ, कब्र उग जाएगी यहाँ से, और मैं नहीं चाहता हमारे इसके अंदर कब्र उगे, तो इससे मैंने मोटा मशरूम यहाँ पर लगा दिया, बर्फीला भी लगा दिया। अब बस एक और आगे लगाना है, कौन सा लगाऊं? अब एक कैप्टन अमेरिका की सील वाला फिर से आ गया, और ये फिर से आ चुका है हमारी लाइन को खाने के लिए। देखते हैं इसका क्या हाल होता है। और मैंने यहाँ पे वो लगा दिया अपना वॉलनट, और ये ऊपर वाले ने घुस गया लाइन में। दूसरी लाइन में कुछ लगाना है मुझे, मैंने मोटे मशरूम ऊपर लगा दिया, 3 दिन बढ़िया लग रहे हैं, आगे छोटा मशरूम। तो हाँ यार, मैंने पूरी जगह भर दी है, एक भी जगह खाली नहीं बची है प्लांट लगाने के लिए, मैंने सब कुछ भर दिया है फाइनल वेव से पहले। तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सॉलिड लग रहा है। तो आज मैं कैप्टन अमेरिका का फ़ैन बन चुका हूँ, 1 घंटे से लगातार खा रहा है, ढूंसा रहा है, अभी भी खा ही रहा है, और उसको कुछ हो ही नहीं रहा। फाइनली अब जाके खटा, और अब बाकी के जॉम्बीज आएंगे, वरना जॉम्बीज को आने ही नहीं दे रहा था। इसकी वजह से मेरे 500 के ऊपर सन्स हो चुके हैं। इसने अपनी खुद की जॉम्बी बिरादरी के साथ गद्दारी की है मेरे 500 के ऊपर सन्स करवा के, ताकि मैं इनके ऊपर बम फोड़ के इनका और बुरा हाल कर दूँ। तो ये ना खा जाए, बढ़िया। तो ये भागने वाला कूदने वाला भी एक खा नहीं पाया हमारे बर्फीले को। अब ऊपर वाली लाइन में भी एक आदमी घुस चुका है, दूसरी में भी घुस गया, और 5वीं में भी एक खाया गया हमारा। पर फिर भी ओवरऑल हम पूरे लेवल को जीत चुके हैं, बस एक टोपी वाला रह गया है, इसकी टोपी गिरानी बाकी है। और यहाँ 3 मोटे मशरूम का पूरा सेट हमारा बन चुका है। मुझे मिल चुका है एक किताब, इसके अंदर जानकारी है जॉम्बीज कैसे होते हैं और प्लांट्स कैसे होते हैं। बस यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो।